हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर। बेसिकली इस गेम में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया है और चलते हैं अब थोड़ा सा एक सुपर कार खरीदने, जैसे कि फरारी हो गई, ला फरारी हो गई और ये सब बड़ी बड़ी कारें हैं। तो आज देखते हैं कार मार्केट में कि कौन कौन सी गाड़ी है। तो इधर हमको जहाँ तक दिख रहा है भाई, ऐसा कोई कार नहीं है जिससे हम लोग ड्रैग रेस खेल सकें। तो आज हम लोग बेसिकली ड्रैग रेस खेलने वाले हैं, जो ड्रैग रेस से, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे पैसे कमा चुके हैं इस गेम में। क्योंकि आप लोग ऊपर देख सकते हो, 17,30,17,408 डॉलर अप्रोक्स कमा चुके हैं। और हम लोग चलते हैं अपने शोरूम, क्योंकि हमारे पास एक पहले से सुपर कार है, फरारी ला फरारी है, तो उससे हम लोग उसको आज मॉडिफाई करेंगे हम लोग। और ये हम लोग पहुँच गए अपने ऑफिस। तो ये कचरा जो किसी ने, भाई हमेशा कचरा कोई ना कोई फेंक जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत हम लोग का दिख रहा है ये ऑफिस। और आज हम लोग कार मार्केट बहुत निराश कर दिया हमको, क्योंकि कार मार्केट में ऐसा कुछ नहीं था हम लोगों के ख़रीदने लायक। तो हम लोग के पास एक पहले से ला फरारी है, उसी को ले चलेंगे। रिपेयरिंग भाई हमने इसके करवा रखा है और थोड़ा डर्ट भी पड़ी है, इसका बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन करवाने वाले हैं। तो आप लोग गेम में बने रहिए और देखते रहिए राज 17 के गेमिंग। और इसको लेके चलते हैं फटाफट से वो ऑटो रिपेयर सेंटर में, क्योंकि वहाँ पे इसका ट्यूनिंग व्यूनिंग जो भी है ना, मॉडिफिकेशन सब वहीं पे होगा। तो इसको लेके चलते हैं और भाई इसको घुमा लेते हैं। इसको लेके जाना है हम लोग को ऑटो ट्यून में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है ना, इलेक्ट्रिकेशन और ट्यूनिंग, यहीं पर लेके जाना है इसको और ले जाके इसको मॉडिफिकेशन करवाना है। तो देखते हैं कि क्या क्या इसमें बाकी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें लगवाने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले रेसिंग किट डलवाते हैं, क्योंकि स्पीड चलता है। फिर इसको ड्रिफ्ट किस, जो ड्रिफ्ट मारती है, और डिफ़ॉल्ट किट भी डलवाएंगे। ESP छोड़ देते हैं, टर्बो डलवाते हैं भाई, ESP भी डलवा लेते हैं, ESP भी डलवा लेते हैं। और अब इसके बाद सस्पेंसन, तो सस्पेंसन किट हो गया, सस्पेंसन जैसा है वैसा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लाइट को थोड़ा बहुत करेंगे एडजस्ट, क्योंकि इसका जो लाइट है वो मुझे थोड़ा ज़्यादा वाइड चाहिए और ज़्यादा बोल्ड चाहिए। तो इसको यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं। और ये $80 लग गया भाई। अब थोड़ा सा प्लेट में हम लोग अपना नाम लिखेंगे इसमें, देखते हैं क्या होता है इसको। भाई कर्नफोलिया वाला जो होता है ना, ये वाला मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो हम इसको फटाफट से एडिट करते हैं और इसमें लिखते हैं राज 17 के गेमिंग, अपने चैनल का नाम इसमें लिखते हैं, देखते हैं इसमें एडजस्ट हो पाता है कि नहीं। तो भाई ये राज 17 के गेम, भाई ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि दो अक्षर अभी बच जा रहा है, दो तीन अक्षर। तो हम लोग इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये सही नहीं दिख रहा है। जब पूरा नहीं हटेगा गेम का नाम, चैनल का नाम, तो मज़े नहीं आएगा। तो इसको हम लोग अपने मोटर, जो हम लोग का शोरूम का नाम है राज मोटर, तो हम लोग फटाफट से राज मोटर लिख लेते हैं। और ये लिख लिया हम लोग राज मोटर और इसको अपडेट कर देते हैं और चलते हैं भाई। अप्रोक्स सब कुछ हो गया, तो देख लीजिए ये फटाफट से गाड़ी। भाई ये क्या व्हील, तभी हम लोगों ने चेंज किया ही नहीं भाई, इसका व्हील सभी हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो चलते हैं इसको और बाहर निकल कर फिर से इसका व्हील लगवाते हैं। तो हम लोग व्हील लगवाते हैं और व्हील सबसे महंगा वाला व्हील डलवाएंगे, जो इस पूरे शोरूम का सबसे महंगा व्हील होगा ना, वो वाला डलवाएंगे। तो ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये अच्छा है लेकिन ये गाड़ी पे सूट नहीं कर रहा है भाई। तो इसको भी नहीं डलवाएंगे, तो थोड़ा सा नीचे करते हैं, इसको नीचे करके देखते हैं। और ये ठीक लग रहा है भाई, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये नहीं उतना अच्छा नहीं जचा है। तो इसी को हम लोग डन करते हैं भाई। 5000 इसका दाम है, $5000। तो ये हो गया हमारा व्हील अपडेट, अब ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे इसको, देख लेते हैं कोई और अच्छा होगा तो, लेकिन कोई अच्छा नहीं है भाई। तो फटाफट से इसको बैक करते हैं, क्योंकि ये गाड़ी, इसका व्हील्स मजबूत होगा तभी जाके स्पीड चलेगी, समझ रहे हैं आप। तो अब ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि इतने में बहुत ज़्यादा है। और देख लीजिए इसमें और भी बहुत सारे हैं व्हील्स, लेकिन कोई भी काम का नहीं है। तो बैक करते हैं और लेके चलते हैं अपने गाड़ी को। अब इसका एक चीज़ बचा हुआ, पेंटिंग भाई। ये पेंटिंग जब हो जाएगी ना इसका, और देखिए कैसे राज मोटर लिख के आ रहा है इसके नंबर प्लेट पर, इतनी खतरनाक दिख रही है कार हमारी। अब ले चलते हैं इसको पेंटिंग में, तो भाई पेंटिंग में भी थोड़ा बहुत खर्चा आने वाला है हम लोग का। इस गाड़ी पे भर के खर्चा करना है, क्योंकि इससे जीतना है हम लोग को ड्रैग रेस, और ड्रैग रेस खेलना है। तो गाड़ी का इंजन ऑफ करते हैं
और इंजन ऑफ करके निकल के और बात करते हैं इनसे, भाई कितने का पड़ रहा है ये। तो फटाफट से इंजन को बंद करते हैं और बंद करके आप इनसे पूछते हैं कि भाई कितने का ये मिल रहा है। पेंट कराते हैं इसको, देखते हैं कितने का पेंटिंग है ये, भाई रेड करवाएंगे, रेड या गुलाबी, क्योंकि फरारी ना रेड कार में ही बहुत अच्छी लगती है। और ये थोड़ा बहुत ये हो गया है, इसको नीचे कर देते हैं और थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज कर देते हैं। ये इतना चलेगा, ये पता है ये पॉलिश बहुत ज़्यादा हो गया ना, इस वजह से इसका हो गया है। अब इसको स्मूथ थोड़ा ज़्यादा हो गया तो स्मूथ कम कर देते हैं और मेटालिक ज़्यादा कर देते हैं, मेटालिक ज़्यादा कर देते हैं और स्मूथ और कम कर देते हैं। स्मूथ इतने ज़्यादा बहुत लाइट हो जाएगी, इसको और ज़्यादा स्मूथ कर देते हैं और फिर से इसको अब कलर पे करते हैं गुलाबी कलर। देखो भाई कितनी ख़तरनाक, अभी थोड़ा गंदा दिख रही है, क्योंकि इसलिए गंदा दिख रही है क्योंकि अभी इस पर बहुत ज़्यादा डर्ट आ गया है। तो इसको जब साफ़ करवाएंगे ना तब गाड़ी का कलर दिखेगा, कितने ख़तरनाक दिखेगी ये। तो ये $300 हम लोगों के लग चुके हैं भाई, और इसको लेके चलते हैं हम लोग, लेके चलते ये मतलब हो गया सब कुछ। और शॉप ओपन नहीं करना है क्योंकि शॉप पे लेके जाना नहीं है। और अभी इसको ट्रैक रेस लाइक ये गाड़ी हमारी हो चुकी है, तो फटाफट से इसको बैक करते हैं और बैक करके लेके चलते हैं अपने ड्रैग रेस में। भाई आज इसे बहुत सारे पैसे कमाने वाले हैं हम लोग, और वीडियो में बने रहिए और अंत तक वीडियो को देखिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो भाई अभी ये गंदा हो पड़ा है गाड़ी, तो इसको फटाफट से हम लोग लेके चलते हैं और इसको कार को वॉश करवाते हैं, क्योंकि भाई ड्रैग रेस में ले जाना है और अपनी गाड़ी एकदम निखर के आनी चाहिए। तो ये वॉशिंग सेंटर है जो कि कार को वॉश करता है, तो इन भाई साहब से पूछ के देखते हैं कि भाई कितने में कार को वॉश करेंगे। यहाँ पे हैं भाई साहब, बात करते हैं। भाई $50 कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत पैसा है अपने पास, तो इसको वॉश कराते हैं। तब तक हम लोग ये देखिए, ये पेट्रोल पम्प भी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना भाई, पेट्रोल पम्प से पेट्रोल भी डलवाना है हम लोग को, क्योंकि गाड़ी पूरा फुल चाहिए। इतनी ज़्यादा गाड़ी को हम लोग हाईटेक रखने वाले हैं ताकि हम लोग के पास थोड़ा सा भी गाड़ी को जीतने में कोई कसर ना रह जाए। भाई ये देखो गाड़ी कितनी मतलब अच्छे से वॉश हो रही है, और ये कार वॉश सेंटर है तो इसको हम लोग वॉश कर रहे हैं इस कार को। और देखते रहिए और गेम में बने रहिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और लेके चलते हैं पेट्रोल पंप पे, उसको पहले फ्यूल डलवाते हैं इसमें, पूरा पूरा फ्यूल डलते हैं। देखिए कार कितनी ख़तरनाक दिख रही है भाई, इतनी शानदार दिख रही है ना, इतनी शानदार की मजा। ये पहले से गाड़ी लगा हुआ है, हट जाएगा अभी, हट जाएगा ये चला गया भाई गाड़ी। और अपने गाड़ी को लगा देना वहीं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छे पेट्रोल मिलते हैं और सस्ते दामों पे। तो गाड़ी के इंजन बंद करके और पेट्रोल खुद से डालना पड़ता है इसमें, ले लेते हैं भाई। पूरा फुल कर देंगे ये, ऐसे नहीं एकदम दबाए रखो, पूरा फुल कर दो भाई। कार में पेट्रोल एकदम फुल हो गया, और फिर हम लोग बैठते हैं अपने कार में और लेके चलते हैं ड्रैग रेस खेलने। भाई देख लो कार कितनी खूबसूरत दिख रही, और लेके चलते हैं ड्रैग रेस में। हाँ तो इसको पहले लेके चलते हैं भाई, सामने ही ड्रैग रेस होगा तो थोड़ा सा स्पीड इसका चेक कर देते हैं भाई कि कितना स्पीड पकड़ रही है ये। खतरनाक चल रही है भाई, खतरनाक खतरनाक। बस ये ड्रैग रेस जितवा दे मज़ा आ जाएगा, क्योंकि बहुत पैसा है ड्रैग रेस में। तो अभी ये दो गाड़ी है भाई, एक ये कोडा का ओक्टा है और ये के पता नहीं कौन सी कबाड़ी सी गाड़ी। तो पहले कमज़ोर वाले से भाई खेलते हैं हम लोग, गाड़ी के इंजन बंद करते हैं और इस कमज़ोर वाले से पूछते हैं, इस आंटी से, भाई करोगे रेस? और ये $125 का बेट है भाई, कोई ज़्यादा नहीं है, खेल लेंगे। ये हम लोग का पहला ड्रैग रेस है, सो हम लोग देखते हैं कि क्या कर पाते हैं भाई। हमको नहीं पता, इसके पहले हमने ड्रैग रेस नहीं किया है, इस वजह से ड्रैग रेस करके देखते हैं। और बहुत मज़ा आने वाला है, हमारी लाफ राइड तो ऐसे ही इसको हराएगी भाई, ऐसे हराएगी। लेकिन देखते हैं क्या होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कैसे इसका करना है भाई। ये क्या बोला, स्टार्ट इंजन, इंजन को स्टार्ट करना है। और ये मेरी गाड़ी क्यों नहीं आगे जा रही है? अच्छा गियर लेना है, गियर दबाना है। अच्छा रुक दिया, ये तीन गिनने पर ही ये स्टार्ट करना है। 3, 2, 1, ये भाई ये चली हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी चलती भाई, स्पीड बढ़ा दिया। ये क्या गाड़ी, तो हमसे स्पीड निकल गई ये गाड़ी। ओ भाई हार गया मैं तो, बड़े लाफड़ाड़ी हार गई यार। ये क्या कबाड़ी सी गाड़ी यार जीत गई, मेरी लाफड़ाड़ी हार गई यार। फर्स्ट गेम था ना, पता नहीं क्या करना है यार,
ओके कोई बात नहीं यार, सीखते सीखते ही सीखेंगे। फिर दूसरे दूसरे से लड़ते हैं, जो दूसरा है उनसे देखते हैं लड़के भाई क्या होता है, आओ रेस करेंगे दूसरे से। तो बैक टू सिटी जाते हैं हम लोग और इस दूसरे से पूछते हैं भाई, ये दूसरे वाले से, क्योंकि हम लोग को नहीं पता है भाई, और ये गाड़ी हम लोग को पहले भी बहुत हरवा चुके हैं, हमको पता नहीं कि हुआ क्या इसमें, इस वजह से। तो इनसे एक बार और रेस करते हैं भाई, ये $825 का बेट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, पैसे की टेंशन नहीं है, बस रेस जीतना है कैसे भी करके। और ये हमारी कार आ गई है भाई रेस में, और जैसे कि पहले ही था कि भाई तीन गिनने पे ही गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना है इसको, और तीन गिनने पे गाड़ी को स्पीड करना है। और देखिए ये व्यू, ये लोग है भाई, ये रेस को ये लोग इंजॉय करने वाले हैं कैमरामैन। तो ये इंजन को स्टार्ट करना है, स्टार्ट इंजन लिखा है, तो इंजन को स्टार्ट करते हैं। और शिफ्ट से गियर अप होता है और कंट्रोल से गियर डाउन होता है, और अल्ट से नोज बढ़ रहा है भाई, ये तो समझ में आ गया। चलो आपके बार वैसे ही करते हैं जैसे ये लिखा है, और देखते हैं भाई किस हद तक ये गाड़ी हम लोग की जिताती है। तो फटाफट से स्पीड करके चलते हैं। ये क्या यार, ये तो पहले ही निकल गया। जा, हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी यार इस कार को लेके, और फिर से ये ड्रैग रेस हम हार गए भाई। ये तो स्पीड ही नहीं पकड़ा यार, ये नोस भी लगाने के बाद भी यार क्या फ़ायदा इस गाड़ी को लेने का, अभी नहीं रहेगा यार। बहुत दुखी हूँ मैं इस कार से, क्योंकि ये कार हम लोगों को हरवा चुकी है दो बार, और अब तीसरी बार इससे रिस्क नहीं लेने वाला भाई, इसको बेच दूंगा मैं, इससे बेच दूंगा, और फिर इसको कभी ड्रैग रेस में नहीं लाने वाला हूँ, और एकदम कौड़ी के भाव बेच दूंगा इसको, क्योंकि ये मुझे हरवा दी भाई। ये देखो कितने सेकंड में ये पहुँची है, ये स्पीड देखो 25 का स्पीड से आई है ये बेवकूफ कार भाई। लाफरारी से यार मन उठ गया यार, इतनी बड़ी कार है, इसको ले कर चलते हैं फटाफट से हम अपने शोरूम पर, और शोरूम पे ले जाके इसको बेच देंगे भाई। जब तक बेचेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि ये हमको बहुत डिसअपॉइंटेड कर दिया भाई, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड। और 4 बज गया है शाम के, और अब दूसरा रेस भी नहीं होने वाला है यार भाई, बहुत ज़्यादा ऑप्शन। देखो ऐसे कैसे ड्रिफ्ट मार रही है, बहुत हरामी कार है यार, मुझे हरवाने के चक्कर में लगी हुई है ऐसे। देखो इसका स्पीड देखो कितनी खतरनाक पकड़ रही है, बस ये जब रेस में लगाया था ना इस पर भरोसा करके, उस रेस में ये हमको कामयाब नहीं बना पाई यार, बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है इस कार को लेके, क्या बताएं। तो मन तो कर रहा है कि ठोक दो इसको भाई, इसको बेच देंगे, लेके चलो इसको शोरूम पे, और कचरे भी पड़े हुए हैं भाई शोरूम पे बहुत ज़्यादा भाई। गाड़ी को बंद करते हैं और लेके ये कचरा है, कचरे को साफ करते हैं भाई। सबसे पहले शॉप को ओपन करते हैं भाई, क्योंकि आज बेचना है इसको, और एक ये कचरा है तो कचरे को पहले साफ़ कर देते, उठा लेते हैं भाई। ये पड़ोसी बहुत मतलब क्या बोले, हमेशा से एक ही चीज़ बोल के अच्छा नहीं लगता हमको, बोल के क्या करें, साफ़ करना पड़ता है भाई। तो हम लोग पहले इसको कार को सेल पे लगाते हैं भाई, क्योंकि ये अब नहीं रखने वाला मैं, क्योंकि ये गाड़ी हमको बहुत ज़्यादा धोखा दी। 180,000 की ये गाड़ी हम लोगों ने लिया, $180, और इसको हम लोग 3,00,000 करते हैं, 3,00,000 में बेच देंगे भाई, बहुत एकदम सस्ते में बेचेंगे, और मुझे पता है कि ये आसानी से बिक जाएगी इतने में, क्योंकि फरारी है यार, इसका नाम ही काफ़ी है। तो इसको फटाफट से बेचते हैं और लेके चलते हैं भाई, जो ये कचरा दूसरा बचा हुआ है इसको भी ले लेते हैं, इसको उठा लेते हैं और उठा के फेंक देते हैं। तो इसको कचरा को डस्टबिन में डाल देते हैं भाई। मेरा एक कस्टमर आ रहा है इधर, दिख गया, देखो कितनी जल्दी ये गाड़ियाँ बिक जाती हैं। तो कस्टमर आ गया है और इसको भी लेके चलते हैं और इसे भी कूड़े कचरे में डाल देते हैं, और ये डाल दिया कचरे में, और इससे बात करके देखते हैं भाई कि क्या होता है क्या नहीं, और ये ले पाता है कि नहीं। हेलो कितनों में लेंगे सर? तो ये मेरा $3,00,000 इसका प्राइस है, बेस प्राइस। यार ये उतने में ही ले रहा है भाई, भाई बेच देते हैं, बेच दिया इस बला से जान छुटी, और बंद करते हैं और भाई चलते हैं फटाफट से। अब हम लोग, रात हो गई है, 6:18 हो गया पहले ही, और जाते जाते हम लोग को रात हो जाएगी। तो आप लोग गेम में बनने के लिए थैंक यू, और आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को, और इससे रिलेटेड और भी सारी वीडियो है तो कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलते हैं अपने, ये मेरा छोटा सा कंटेंट, इसको भी अगले बार अपडेट करूंगा भाई। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट आप सभी को।